रूप से वहाँ के खेलों के जो अनुभव हैं उन अनुभवों से भी और अच्छा करने के लिए हम काम करेंगे कि उन जो हमारे गोवा में हुए हैं या गुजरात में हुए हैं वो अनुभव भी हमारे काम आएंगे और हमारा प्रयास होगा कि अभी तक हुए खेलों में हम सबसे अच्छा करें, कोशिश करेंगे हर दृष्टि से जो भी अच्छे से अच्छी सुविधा हो सकती है, अच्छे से अच्छा हमारे खिलाड़ियों के लिए हो सकता है और देश भर के लोगों के आने के लिए। उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि है, सब देवभूमि आएंगे तो देवभूमि के लोगों का भी मनोबल भी बढ़ेगा, प्रोत्साहन भी होगा और हमारे सभी खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से मिलेगा। देवभूमि उत्तराखंड के भी नवोदित उदयमान खिलाड़ी अपने आप को तैयार करेंगे और उनको भी आगे बढ़ने में ये खेल बहुत ही उनके लिए महत्व का काम करेंगे। सर, आपने अपनी मेहनत रंग लाई है, हरियाणा में रहे थे, किस तरीके से जीत को सेलिब्रेट करें आप लोग? देखिए, हरियाणा की जीत सुशासन की जीत है और हरियाणा की जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 सालों के अंदर देश के अंदर सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं और हर वर्ग के लिए काम हुआ है। जो वहां पर किसानों को भ्रमित करने वाले थे, खिलाड़ियों को भ्रमित करने वाले थे, नौजवानों को अग्निवीर जैसी योजना जो कि देश के हित में लाई गई है, नौजवानों के हित में लाई गई है, उस योजना को भी गलत तरीके से उनमें भ्रम फैलाने का काम किया। हरियाणा की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर विश्वास किया, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो सरल सहज व्यवहार है उसको लोगों ने प्राथमिकता दी। मैं हरियाणा के लोगों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं का भी जिन्होंने अथक मेहनत से, परिश्रम से लोकतंत्र के इस महापर्व में 5 साल के लिए हरियाणा की फिर से डबल इंजन की सरकार चुनी है और 10 सालों में जो अनवरत रूप से हरियाणा का विकास तेजी से आगे बढ़ा है, पारदर्शिता वहाँ पर आई है, पर्ची खर्ची का सिस्टम समाप्त हुआ था, उन्होंने उस सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। सवाल खड़े किए जी, अब देखिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल अपने फेस सेविंग के लिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि ये जीत एक तरफा जीत है और ये जीत हरियाणा के सामान्य जन की जीत है, वहाँ के नौजवानों की जीत है, वहाँ की मातृशक्ति की जीत है, वहाँ के किसानों की जीत है और वहाँ के पहलवानों की और खिलाड़ियों की भी जीत है। सर, उत्तराखंड अगले माह? बिल्कुल, हम तैयार हैं, वो एक्ट हमारा पूरी तरह से तैयार हो गया है और उस एक्ट को क्रियान्वित करने के लिए जो कमेटी श्री शत्रुघ्न सिंह जी की चेयरमैनशिप में बनाई गई है वो कमेटी हमको जल्दी ही रिपोर्ट सौंपेगी और हमारा प्रयास होगा कि हम जल्द से जल्द जो एक्ट उत्तराखंड के लोगों ने जिसको बनाने के लिए हमको मैंडेट दिया उसको हम लागू करें।